Hey guys, so wedding and party season is finally here. और इस टाइम पे जब विंटर्स भी है, पार्टियों में और वेडिंग्स में स्टाइलिश दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम हमें ठंड से भी बचना है. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही विंटर वेडिंग एंड पार्टी हैक्स शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. आपको स्टाइलिश भी दिखाएंगे, येट सर्दियों से भी बचाएंगे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो विंटर की शादियों में सबसे बेस्ट चीज जो लगती है वो होती है सूट. बट सूट को जनरली हम शर्ट के साथ पहनते हैं, बट शर्ट में हमें ठंड बहुत ज्यादा लगती है. तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा हैक बताता हूँ. आपको शर्ट की जगह स्कीवी पहननी चाहिए, या फिर जो टर्टल नेक होते हैं ये पहनने चाहिए. शर्ट के रिप्लेसमेंट का काम करता है, येट आपको सर्दियों से भी बचाता है, और उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा सेक्सी भी दिखाता है. जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के सूट पे रेड कलर का टर्टल नेक पहना है, जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिख रहा है. सिमिलरली अगर आपके पास कोई ब्लू कलर का सूट है तो आप उसको व्हाइट टर्टल नेक के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो लुक वेरी स्टाइलिश. तो ये चीज जरूर ट्राई करेगा, जो कि आपको विंटर वेडिंग में ठंड से भी बचाएगा और साथ साथ स्टाइलिश भी दिखाएगा. अब शादियों में क्या होता है, लड़कियां बहुत ज्यादा होती है दुल्हन की फ्रेंड्स या कजन्स, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उनमें से कोई ना कोई लड़की पसंद जरूर आ जाए. और उसमें अगर आपका ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा खराब लगेगा, यानी कि आपकी ग्रूमिंग ऑन द पॉइंट नहीं होगी, तो आपका इंप्रेशन कहीं ना कहीं खराब हो सकता है. तो शादी या पार्टी में जाने से पहले आपको पूरे शरीर की मैनस्केपिंग कर लेनी चाहिए, बियर्ड प्रॉपरली ट्रिम होनी चाहिए. अर्थात आपको पार्टी में कभी भी फटे पुराने जिसमें छेद हो जाते हैं वैसे अंडरवेयर पहन के नहीं जाना चाहिए. पार्टी के लिए आपको हमेशा एक अच्छे एक्सपेंसिव ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहिए. इसके साथ साथ आपको अपने साथ एक माउथ फ्रेशनर जरूर रखना चाहिए, जिससे कि अगर आप मान लीजिए कोई लकी भी होते हैं तो आपके मुंह से खाने की बदबू ना आए और वो आपसे इंप्रेस हो जाए. अब चाहे आपके घर में शादी हो या आपकी शादी हो या किसी और की शादी हो, शादी में फेस का ग्लो सबसे ज्यादा काम आता है, जो कि आपको दूर से एकदम अट्रैक्टिव दिखा देता है. तो नेचुरल ग्लो के लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बताता हूँ, जो कि आपको शादी या किसी भी पार्टी से 7 दिन पहले से स्टार्ट करनी है, विच इज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको ल्यूकवार्म वाटर में पिंच ऑफ हल्दी मिला करके पीनी है. हल्दी आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो लेके आता है, आपके फेस पे जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको हटाता है. जहां पार्टी में सबने फेस पे मेकअप करके ग्लो लाया होगा, वहीं आपका नेचुरल ग्लो सब पे भारी पड़ने वाला है. सो ये जरूर ट्राई करिएगा. वेडिंग सीजन ट्रेडिशनल वेयर के बिना बिल्कुल अधूरा है. तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन रहे हैं तो आप इसके ऊपर इस टाइप की जोधपुरी जैकेट पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखती है, एंड एट द सेम टाइम सर्दियों से आपको बचाती है, आपके जो ओवरऑल ट्रेडिशनल लुक है उसको कंप्लीट करती है और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश भी दिखाती है. और इस ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए आपको नीचे जोधपुरी या फिर जो कोल्हापुरी चप्पलें होती हैं ये सब नहीं पहननी है, क्योंकि ऑफकोर्स विंटर में वो बहुत ज्यादा खराब लगेंगी. इसका एक रिप्लेसमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्राउन लेदर शूज में इन्वेस्ट करिए, ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं. यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर के पहने हैं, जो कि आपको विंटर से भी बचाते हैं और आपको बहुत ज्यादा क्लासी और सेक्सी लुक भी देते हैं. अगर इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो आप इस टाइप का एक शॉल ले सकते हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी वाला है, लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखता है और आजकल ये बहुत ज्यादा इन भी है. इसको आप किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, या फिर आप इसको दोनों तरफ से ओढ़ सकते हैं. ये आपके पूरे ओवरऑल लुक को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है और विंटर में आपको स्टाइलिश दिखने के साथ साथ ठंड से भी बचाता है. अब पार्टीज और शादी में ना ड्रिंक करना इज कॉमन, बट कई कई बार क्या होता है हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और हम ओवर ड्रिंक कर लेते हैं. इससे बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं तो एक लेमन स्लाइस का जूस जरूर कंज्यूम करिए. ये आपको नेक्स्ट डे से होने वाले हैंगओवर से बचाएगा, आपको अगर बहुत ज्यादा नशा हो रहा है तो उससे भी बचाएगा, येट आप पार्टी इंजॉय भी कर पाएंगे अपने आप को एम्बैरेस किए बिना. पार्टीज और वेडिंग्स में क्या होता है कि हम लोग नए शूज लेके आते हैं, क्योंकि वो नए होते हैं तो हम उनको रेगुलर बेसिस पे पहन नहीं पाते हैं, और जिस दिन हम पार्टी में पहनते हैं तो हमें शू बाइट हो जाता है या फिर थोड़े बहुत वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. तो इससे बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी नया शूज पहनने से पहले आप उसके अंदर इस टाइप से सेलो टेप लगा सकते हैं. इससे आपके पैरों और शूज के बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जिससे आपको शू बाइट या फिर आपको जो भी अनकंफर्टेबल फील कराते हैं शूज वो नहीं होता है, और आप पार्टी खुल के एंजॉय कर पाएंगे. अब शादी में सब लोग परफ्यूम तो जरूर लगाते हैं, बट जब तक हम लोग शादी में पहुंचते हैं या पार्टी में पहुंचते हैं तब तक परफ्यूम की स्मेल होती है वो एकदम खत्म हो जाती है, और आपके पास से थोड़ी बहुत स्मेल आने लग जाती है. तो इससे बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पार्टी में जाने से पहले आप जो भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं अपने शरीर में, उसमें 2 या 3 स्प्रे आप परफ्यूम की डाल सकते हैं, उससे मिक्स कर सकते हैं एंड उसे अपनी बॉडी में अप्लाई कर लीजिए. चाहे परफ्यूम की स्मेल उड़ जाएगी, लेकिन आपके शरीर में से एक बहुत ही प्यारी सी स्मेल आएगी, जो कि दूसरे लोगों को आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और आप खुल के पार्टी इंजॉय कर पाएंगे. तो गाइस, ये थे कुछ ऐसे अमेजिंग वेडिंग एंड पार्टी हैक्स, जो कि मुझे ऐसा लगा कि आप सबको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. ये स्पेशली विंटर से रिलेटेड हैं, तो अगर आप विंटर की वेडिंग्स में या पार्टीज में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं या ठंड से भी बचना चाहते हैं तो आपको ये जरूर ट्राई करने चाहिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. कुछ गिरा ना पीछे से, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल.